Agreed. यहाँ टूरिज़्म का काफ़ी बढ़ावा हुआ है हमारे ये बाबा चमलाल एरिया में, बॉर्डर एरिया में, रामगढ़ सेक्टर में, और इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ पे हमारे 200 गज पे बॉर्डर है, इंटरनेशनल लाइन है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ काफ़ी तरक्की हुई है, उसके बाद टूरिज़्म वालों ने यहाँ इंटर किया और उन्होंने काफ़ी यहाँ काम भी करवाए। अभी पिछले साल ही उन्होंने कम से कम 60-70 लाख रुपये का यहाँ टूरिज़्म वालों ने काम करवाया। जैसे बाबा का यहाँ लंगर शेड बना है, ग्रिल वगैरह लगी है, यहाँ बाबा की तलाई है जो पहले वो ओपन थी, अभी उसके चारों तरफ ग्रिल लगी हुई है। तो इससे भी ज़्यादा हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ इसको तवज्जो दे, इसके साथ इसकी साइड, और ख़ासकर ये इंटरनेशनल जगह है। तो हम ये अपील करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इसमें और तरक्की करवाए हमारे बाबा चमलेल एरिया में। और इसमें क्या है कि जब टूरिज़्म बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ इनकम सोर्स लोगों का बढ़ेगा, तो हमारी जो बेरोज़गारी उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं आप मीडिया पर्सन का भी बड़ा आभारी हूँ कि बाबा चमलेल को जितना आज इतना ऊपर लेके गए हैं, तो ये मीडिया पर्सनल का ही काम है। देखिए, यहाँ इतवार, वीरवार, मंगलवार को तो ऐसे दुनिया आती आती है, लेकिन जब चौथे वीरवार मतलब मेला लगता है हमारे जून महीने में, तब तो लाखों के हिसाब से होता है। लेकिन ऐसे दुनिया यहाँ आती रहती है, हफ्ते में भी आती रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं टूरिस्ट यहाँ पे, तो आते हैं यहाँ पे जहाँ लंगर की सुविधा पूरी फ्री है। नहीं, 2018 के पहले तो बड़ा मुश्किल होता था, हम भी यहाँ डर डर के आते थे, लेकिन 2018 के बाद जैसे ही सीज़ फायर हो रखा है तो उसके बाद यहाँ टूरिज़्म बेधड़क यहाँ आते हैं। यहाँ अभी भी आप देख रहे हो यहाँ यात्रु लोग नाइट को भी यहाँ रहते हैं, परमानेंट यात्रु यहाँ रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से अपील है ये कि इसको और बढ़ावा देने के लिए, और भी जितने तीर्थ स्थान हमारे बॉर्डर पर, तो उनको और बढ़ावा देने, खासकर ये कहूँगा मैं चमलेल एक इंटरनेशनल जगह है, ये पूरे वर्ल्ड में मानी हुई जगह है, तो इसको और ज़्यादा इसकी तरक्की करवाने के लिए टूरिज़्म वालों को और इंटरेस्ट में करना चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये टूरिज़्म को लेके यहाँ पे बॉर्डर पे काफ़ी सारा टूरिस्ट बढ़ा, उससे ये कदम बहुत अच्छा है हमारे लिए, हमारे लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा इससे, और हमारे जो जहाँ बाबा देवस्थान में आने वाली जो सड़कें बनेंगी, रोड बनेंगे, काफ़ी डिवेल्प होगा। और यहाँ पर मतलब पहले क्या होता था, पहले हम आज से 3-4 साल पहले क्या होता था कि जब भी यहाँ पे थोड़ी देर रुकते थे तो डर लगता था फायरिंग का, लेकिन अब ऐसा माहौल बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने टूरिज़्म की तरफ से, यहाँ पे बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। और यहाँ पे अभी ऐसा लगता है कि ये जो मतलब देवस्थान है, पहले यहाँ पे क्या था कि पहले जो स्किन के रोगी थे वही ज़्यादा आते थे, लेकिन आजकल यहाँ पे अच्छे टूरिस्ट आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, फॉरेन से आ रहे हैं, यहाँ पे आके एक तो ये बाबा जी के दरबार के दर्शन करते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर देखते हैं और यहाँ का पूरा माहौल देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि टूरिज़्म ने ये बहुत अच्छा काम किया कि जो बाहर से दूर से कोई मतलब कई बार रात देर हो जाए, कोई रह किसी को स्टे करने के लिए जगह नहीं मिले, हमारे गांव में एक ऐसा गांव पूरा टूरिस्ट प्लेस में बना दिया गया है, ताकि कोई रात को दूर से आए और रात को वो खज्जल ना हो, यहाँ रहने का उसको व्यवस्था मिल जाए। हम बहुत अच्छा कदम मानते हैं, क्योंकि आज से पहले कई सरकार मतलब कई बार आए, कोई भी आता था जाता था चले जाते थे, लेकिन आज से 3-4 साल पहले इसका ये कदम उठाया गया। यहाँ दरबार में भी आपने देखा होगा काफ़ी डेवलप किया है, और यहाँ पे काफ़ी मतलब बैठने लायक और देखने लायक स्थान बना दिया गया है। बॉर्डर टूरिज़्म के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सांबा में, क्योंकि 50 से ज़्यादा किलोमीटर्स का इंटरनेशनल बॉर्डर है और एरिया हमारा वो बिल्कुल प्लेन है, रोड कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है बॉर्डर सर्किट के तहत, वहाँ पे आप देखेंगे जैसे बॉर्डर रोड्स बनी हैं, तो वो बॉर्डर रोड पे ट्रैवल करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आती, प्रॉब्लम नहीं आती। टूरिस्ट जो आता है तो वो वहाँ पे खुश होके ही आता है। जैसे बाबा चमलेल की श्राइन बिल्कुल बॉर्डर के स्टीक है, तो वहाँ पे काफ़ी सुविधाएँ हैं। तो उसके अलावा हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट से मिलकर थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर और सुविधाएँ प्रदान की जाएँ, उस एरिया में थोड़ी होम स्टेज डेवलप किए जाएँ, क्योंकि वहाँ पर हालांकि वो जो बड़ा मेला लगता है वो तो एक ही बार लगता है साल में, लेकिन श्रद्धालु डेली बेसिस पे आ रहे होते हैं, और वो जो वहाँ की
साइंटिफिक वैल्यू है, जो वो शक्कर जो लगाते हैं लोग अपने शरीर पे जहाँ पे स्किन डिजीजेज दूर करने के लिए, वो आज भी अगर आप जाएंगे तो 5-10 लोग वहाँ पे होंगे। तो मैंने जो मेरा इंटरेक्शन रहा उन लोगों से, तो यही समझ में आया कि वो लोग चाहते हैं कोई वहाँ रहने का होम स्टे टाइप जगह हो, तो हम ये होम स्टेज को उस एरिया में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं हमारी जो थोड़ी सी हाईवे से हटके हैं, तो उनकी हम थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट, थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ी लार्ज स्केल पे हम कोशिश कर रहे हैं करने की।